आज की वीडियो में दोस्तों हम जानने वाले हैं मनी प्लांट की पत्तियां जो हैं या फिर उसकी ग्रोथ जो है पौधे की बहुत ही कम हो पा रही है और उनकी पत्तियां जो हैं चमकीली नहीं हो पा रही हैं। तो दोस्तों लेकर आया हूं आपके लिए कमाल का एक जुगाड़। तो दोस्तों वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि वीडियो में जो है कुछ छोटी छोटी जानकारी बताई जाती हैं, कहीं आप लोगों से वो बातें मिस ना हो जाएं। अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ आप लोगों से निवेदन है हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही घंटी वाले बटन को भी दबा दीजिए हमारे गार्डनिंग का वीडियो का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो जल्दी से मैं अपनी वीडियो की शुरुआत जो है किए देता हूँ। अब दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने ये मनी प्लांट का पौधा जो है मैंने मिट्टी के पॉट में लगाया हुआ है दोस्तों, और इसकी काफ़ी दिनों से ग्रोथ जो है काफ़ी धीमी से हो रही है। मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ एक ऐसा जुगाड़ जो है शेयर किया जाए जिससे कि मनी प्लांट की पत्तियां जो है बिल्कुल चमकीली हो जाएँ और मनी प्लांट की ग्रोथ जो है काफ़ी तेज़ी से होने लगे। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दूं मैं आप लोगों को करना क्या है। सबसे पहले आप लोगों को इस तरह से एक नाइफ लेना है, यानी कि चाकू या फिर कोई नुकीली वस्तु ले सकते हैं जिससे कि मिट्टी की अच्छी तरह से गुड़ाई हो जाए। तो फिर चलिए हम जल्दी से मिट्टी की गुड़ाई तो फिर चलिए फ्रेंड्स जल्दी से हम अपने जो है सॉइल की गुड़ाई की देते हैं। गुड़ाई इस तरह करें दोस्तों जो कि इसकी जड़ें जो है यानी कि ब्रांचेस नई नई वो बिल्कुल कटनी नहीं चाहिए, और आप लोगों को गुड़ाई लगभग 1.5 से 2 इंच गहरी कर देनी होगी। तो फ्रेंड्स अब मैंने अपने गमले के चारों तरफ जो है गुड़ाई बिल्कुल अच्छी तरह से चाकू की सहायता से अब कर ली है, इसी तरह से आप भी कर लीजिएगा। अब दोस्तों मैं आप लोगों को दिखा दूं जिसे मैं डालने वाला हूं। तो दोस्तों मैंने सामने एक पॉट में छोटे से में मैंने अपनी फुली डी कम्पोस्ट गोबर खाद ली है। दोस्तों इस गोबर खाद का काम यह है के पौधे की ग्रोथ जो है काफ़ी तेज़ी से होने शुरू हो जाती है। तो आप लोगों को इस तरह से चारों तरफ जो है पौधे के डाल देना है अच्छी तरह से, और डाल देने के बाद दोस्तों फिर से वही चाकू लेना है आप लोगों को, और उस चाकू की सहायता से आप लोगों को चारों तरफ सॉइल में मिक्स कर देना है। यहाँ पर दोस्तों मैं आप लोगों को दिखा दूँ, ये जो सामने की तरफ देख पा रहे हैं फ्रेंड्स ये बनाना पील फर्टिलाइजर है। इसका वीडियो मैंने पहले भी डाला हुआ है, अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को देख लीजिएगा, पूरा प्रोसेस जो है आप लोगों के समझ आ जाएगा। उस वीडियो का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों हमने साथ में लिया हुआ है एप्सम सॉल्ट। दोस्तों इसका काम जो है मनी प्लांट की पत्तियाँ जो है उन्हें चमकीला और हरा भरा करना होता है। तो फ्रेंड्स इसका आप लोगों को यूज कैसे करना है आप लोगों को आगे इस वीडियो में बता देता हूं। तो दोस्तों आप लोगों को एप्सम सॉल्ट लेना है और इस तरह से आप लोगों को बनाना पील फर्टिलाइजर में डाल देना है। आप लोगों को लगभग 3 से 4 चम्मच एप्सम सॉल्ट बनाना पील फर्टिलाइजर में डाल देना है। दोस्तों एप्सम सॉल्ट डाल देने के बाद आप लोगों को एक लकड़ी लेनी होगी या फिर आप इसकी जगह कोई लोहे की वस्तु ले सकते हैं, उसकी सहायता से आप लोगों को बनाना पील फर्टिलाइजर का घोल जो है आप लोगों को अच्छी तरह से हिला देना है जिससे कि एप्सम सॉल्ट जो है अच्छी तरह से घुल जाए। अब दोस्तों आप लोगों को फिर से वही बनाना पील फर्टिलाइजर लेना है और एक पॉट की सहायता यानी कि छोटी सी कटोरी की सहायता से आप लोगों को उसमें डाल देना है। इतना सारा काम कर देने के बाद दोस्तों आप लोगों को यह गमला फुल सनलाइट में रखना है या फिर आप ग्रीन नेट में भी रख सकते हैं। इतना सारा काम कर देने के बाद दोस्तों आप लोगों को एक स्प्रेयर लेना है और उस तरह से आप लोगों को पत्तियों पर पानी का छिड़काव कर देना है। दोस्तों इस बनाना पील फर्टिलाइजर का आप इस तरह से छिड़काव भी कर सकते हैं या फिर सीधा गमले में डाल सकते हैं। दोस्तों इस
मेरे पास और भी मनी प्लांट के पौधे हैं, उन्हें अभी मैं आप लोगों को दिखाई देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये मेरा दूसरा गमला है, इसमें भी मनी प्लांट जो है अच्छी तरह से इसकी ग्रोथ जो चल रही है। इसकी वीडियो मैंने पहले भी डाले हुए है, उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। दोस्तों अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि अन्य कई गार्डनिंग करने वाले लोगों को भी जानकारी मिल पाए। कमेंट करके आप हमें पूछ सकते हैं अगर आप लोगों को कुछ समझ नहीं आया है। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू। फिर कभी मुलाकात होगी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ।